के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव ये लक्षण बताए जाते हैं जिसको पतन के मार्ग में जाना होता है उसके ऐसे लक्षणों के। जिसको कश्यप जी से उनके गुरुदेव कह रहे कि जिसको इस मनुष्य जन्म में पूर्व पुण्य कर्म या संत महात्माओं की कृपाओं से मुक्त होना होता है उसके ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। वो शरीर के जितने भोग हैं उन भोगों में उसका विचार प्रकट होने लगता है, कब तक कितना खाते रहेंगे, ये कितना देखते रहेंगे, कितना भोगते रहेंगे, ये प्रारंभिक विचार प्रकट होने लगता है। मन कहता है ये संयोग कब तक रहेगा, कितना कितना विचार, अंदर विचार प्रकट होता है। उस विचार से उसके हृदय में इस शरीर और इन भोगों की जलन से मुक्त होने की इच्छा जागृत होती है। अब वो दानम व्रतम ब्रह्मचर्यम यथोक्तम ब्रह्म धारणम दमः प्रशांतता चैव भूतानां चानुकंपनम संयमाश्चानृसंस्यं च परस्वादानवर्जनम व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा भुवि माता पित्रोश्च शुश्रूषा देवता तिथि पूजनम गुरु पूजा घृणा शौचम नित्यमंद्रिय संयमम। अब उसके हृदय में उदारता प्रकट होती है, क्या वो अब संयम में आने लगता है, कम आहार करना, सात्विक आहार कर, यार आहार से प्राण ही पोषण तो करना, चाहे जो कुछ पाओ इस पर तो भाई संयम करना पड़ेगा। कुछ काल तक आप करके तो देखिए, अभी आपने आहार का केवल देखा है हिसाब, तो आपकी दशा क्या है, आप थोड़ा संयम में आइए और रसेंद्री के मांगे हुए आहार को कम दीजिए, मान लीजिए ये जन्म थोड़ा इसमें लगा दीजिए, आप देख लीजिएगा। केवल प्राण पोषण होता है आहार से, लेकिन जब आप रसेंद्री से युक्त होकर फिर वो आपको और भोगों में फंसाएगा, बच नहीं सकते, पक्का नहीं बच सकते, संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जब तक आपकी रसेंद्री ठीक नहीं होगी तब तक आप हमारी बातों को धारण करने की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समस्त इंद्रियों में चांचल्यता प्रकट करने वाली प्रमुख इंद्री रसेंद्री है जिभ्या, इसको संभालिए, संभालिए। जगह जगह ये बात शास्त्रों में पाई जा रही कि बहुत साधना में इसका योगदान है रसेंद्री का, बहुत संयम में रही। हमने बहुत से संत भगवान को देखा है। अब ये जो विचरण करने वाले महात्माओं घटना होती कि भाई 35 रोटी पा गए, ये पा, अब 8 दिन भोजन नहीं मिला तो 35 रोटी क्या करेगी, एक बार में पा लिया, फिर 5-6 दिन के लिए फुर्सत, वहां कुछ विकार थोड़ी आने की जरूरत है। हाँ, जब आपको बाल भोग मिल रहा है, राज भोग मिल रहा है, शयन भोग, तीनों टाइम मिल रहा है, तो अल्पाहार, थोड़ा थोड़ा सात्विक आहार, भजन, हर समय आप बैठ सकते हो, ऐसी हो। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगा, उदारता, संयम, खान पान ये सब, और ब्रह्मचर्य, सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है एकदम, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए, कमंडल हाथ में छड़, ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं आहार, भगवदाकार वृत्ति। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो ये बहुत बड़ी हानि है।
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव, भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसी प्रवृत्ति जो हम अनेक जन्मों से करते आए हैं, वही इस महामहिम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम पुनः गलती दोहरा रहे हैं। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे, आज तक संसार का नाम गुणगान करते रहे प्रपंच का, अब मैं प्रपंचातीत प्रभु के नाम का, उनके गुणों का गायन करूंगा। जब जिसको भगवत प्राप्ति होनी होती है मनुष्य शरीर में, तो ये संयोग प्राप्त होना शुरू हो जाता है, वो शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है। इंद्रियों की चांचल्यता उसे अच्छी नहीं लगती, देखना सुनना भूलना, वो गंभीरता आने लगती है। कोई भी उससे बात करे मुस्कुराकर, ऐसा दयाचित, सब पर करुणा करने वाला उसका स्वभाव बनने लगेगा। चित्त विषय चिंतन के लिए लालायित नहीं होगा, लालची नहीं होगा, चित्त उदासीन हो, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाव में कोमलता, दूसरों से कुछ लेने की इच्छा का त्याग, किसी को भी मन से भी दुख ना पहुंचाने की सोचना, मन से भी किसी को दुख ना पहुंचाने की नहीं, किसी को मन से भी दुख हम ना सोचे कि भगवान देखो हमको गाली दिया, अपमानित किया इसको, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की पूजा, पवित्रता का स्वभाव, और अपने इन कर्मों का कभी प्रचार ना करना, ये है जिसकी उन्नति होनी, भगवत प्राप्ति होनी होती है तो ये लक्षण उसके हृदय में जागते हैं। अपने शिष्य कश्यप जी को वो बोल रहे हैं। और जिसका पतन होना होता है, नाश होना होता है, उसे विपरीत बुद्धि प्राप्त हो जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसके हृदय में विपरीत दशा जागृत होती है। विनाश काल में बुद्धिर व्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते, उसकी ऐसी बुद्धि में उल्टी भावना आ जाती कि कब तक ये सब, अरे भोगो यार, भगवान को मिलना होगा, मिल जाएंगे, ना मिलना होगा, सामने भोग उपस्थित, भोगो, उसमें धैर्य नहीं रहता। ये लक्षण बताए जाते हैं जिसको पतन के मार्ग में जाना होता है, उसके ऐसे लक्षण होते हैं। वो अपने धैर्य को नहीं बनाए रखता, कोई भी भोग सामने आया विचार नहीं करना, पशु की तरह बस उसे स्वीकार कर लेना, नहीं, विवेक, अगला कदम रखने के पहले विचार करो, मेरा कदम कहां रखा जा रहा है, क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा, तो होगा क्या, अगर हमारे हरि गुरु अपनी कृपा की नजर हमसे हटा लिए तो फिर होगा क्या, नहीं नहीं, बहुत बार ये सब किया, अब नहीं नहीं, और भाग पड़े, ज्यादा नहीं नहीं के चक्कर में ना पड़े, उस स्थान से भाग पड़े जहां सामने भोग उपस्थित हो। धैर्यवान यदि ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो भी वहां ज्यादा न टिके, हट जाए, काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पहलागी है, पहलागी है, महापुरुषों ने कहा है। उसका धैर्य खत्म हो जाता है, धैर्यवान नहीं रहता। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शिष्य को बता रहे, जिसका मंगल होना होता है उसके ऐसे लक्षण जो आप पहले वर्णन किए,
और जिसका पतन होना होता उसके ऐसे लक्षण। अब वो विषयों के अनुकूल समय में मन पर अधिकार ना होने के कारण वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना शुरू कर देता है, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, उनके हम अंश हैं, पर वो विरुद्ध आचरण जो भगवत मार्ग से हमें पतित कर दे, ऐसे आचरणों में खुश होकर वो चलने लगता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली वो क्रियाएं करने लगता है। देख लीजिए ये सब, उनका क्या व्याख्या करें। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली पता नहीं है, और अपने जीवन को स्वयं नष्ट कर रहे, जब उनको शिक्षा दो तो उनको बुरा लगता है कि हमें ऐसे महासुख से वंचित क्यों कर रहे हैं। अरे पागल, ये कोई सुख है जो तुम्हें छीण कर रहा है, नष्ट कर रहा है? आओ सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में देखो कैसा अपार सुख है। वो उन सब वस्तुओं का सेवन करता है जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। होटल से मंगाओ भोजन, माना बहुत साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है, लेकिन बनाने वाले का कैसा आचरण है, कैसे बना रहा है, क्या विचार है, कैसी पद्धति से बनाया गया है, आपको शीशा के अंदर रखे हुए सुरक्षित दिखाई देते, लेकिन उस समय क्या है, सब अच्छा है, पर उसका विचार क्या है, उस समय का विचार उसके अंदर संस्कार डाल रहा है। ये ज्यादा चाट चूट वाली जो जबान है ये परमार्थ लायक नहीं होती, इसको सुधारो। जिस चीज की ज्यादा मांग उसको तो कभी मत खाओ, एक बार तैयार करने पड़ जाओ, एक बार तो थोड़ा हिम्मती बनो। देखो ना, देखो एक ऐसा फिर समय आता है कि इन सब बातों का महत्व तो नहीं रहता जो हम आपको बता रहे हैं, कोई महत्व तो नहीं। एक समय पूज्य पाद उड़िया बाबा, एक कवल एक बार में दे दो जितना देना, 24 घंटे में एक बार, बस एक कवल, 18 घंटे भजन में बैठे, ब्रह्माभ्यास, कृष्ण शरीर हो गया, दिव्य तेज जग रहा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रहा जाता है कि आप तीनों टाइम खूब कस कस के और सब ऐसे पाओ ब्रह्मचर्य रहे। देखो कितनी मांग है, उचित दिया, वो अपने आप पचेगा ना, उसको भी तो पचने का समय दो। सब भरते रहोगे तो पचेगा कैसे, वो फिर पतन हो जाएगा उसका। उसको पचाने के लिए सामर्थ्य चाहिए। क्या सामर्थ्य? जितनी आवश्यकता है वो अंदर पता चलता है। जहां थोड़ा ऐसा लगे कि हम छक रहे, बिल्कुल उसके आगे एक कवल भी मत पाइए, अभ्यास बना लीजिए, उतना ही रखिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि पाने की थोड़ी इच्छा है और थोड़ी नहीं है तो बिल्कुल मत पाइए, उसमें आपका ब्रह्मचर्य पचेगा। जो आपके अंदर जठराग्नि हो आपके ब्रह्मचर्य को विशुद्ध करेगी, और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य जब स्थित होने लगता है तो ऊर्ध्वगामी होने लगता है। जहां ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी हुआ तो दिव्य तेज, दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान अपने आप जागृत हो जाता है। ये इसीलिए, इसी आनंद के लिए तो मुझे मनुष्य शरीर मिला है भाई। काहे को जो बहुत बार, अब नहीं, अब जो एक बार भी नहीं हुआ वो करेंगे। क्या भगवत आराधना, संयम से रहकर प्रभु के मार्ग में चलना। ये आहार पर ध्यान दीजिए, सारा का सारा परमार्थ का इसी पर टिका है।